चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ। शायद ही ऐसा कोई भारतीय होगा जिसने फिल्म भाभी के उस अमर गीत चल उड़ जा रे पंछी को नहीं सुना होगा। जिसने भी इस गीत को सुना वो इस गीत की मधुरता में खो गया। भूल जा अब वो मस्त हवा। महान संगीतकार चित्रगुप्त द्वारा संगीतबद्ध किया गया ये गीत मोहम्मद रफी की उदात्त आवाज पाकर अमर हो गया। केवल यही गीत नहीं बल्कि ऐसे अनेक कर्णप्रिय गीतों की संगीत रचना चित्रगुप्त ने की और उन गीतों को मोहम्मद रफी ने आवाज देकर अमर बना दिया। लागी छूटे ना अब तो सनम चाहे। संगीतकार चित्रगुप्त और गायक मोहम्मद रफी की जोड़ी ने एक से बढ़कर एक सुरीले और मिठास भरे गीतों का सृजन किया जिन्हें आप वर्षों बाद भी सुने तो आपको इन गीतों के सुरीलेपन और मिठास में खो जाने का दिल करेगा। तेरी दुनिया से दूर चले हो के मजबूर हमें यार न जब तक देख ले वो दिल तो कैसे तुम्हारा दिल के कुछ लेके पयामा टूट गईल डालिया चितर गईल कांतवा। चली बादलों के पार होके डोर पे सवार सारी दुनिया ये देख देख चली रे। लेकिन क्या आपको पता है कि ये दोनों महान शख्सियत कैसे एक दूसरे के संपर्क में आए, कैसे दोनों ने सुरों की अपनी यात्रा की शुरुआत की। चित्रगुप्त हिंदी सिनेमा के संभवतः सबसे प्रतिभाशाली और सबसे अधिक सुरीले गीतों का सृजन करने वाले वैसे संगीतकार थे जिनको सबसे कम सम्मान और लोकप्रियता मिली। माधुर्य से भरपूर धुनों की रचना करने वाले संगीतकार के हिस्से में कम बजट वाली बी ग्रेड और सी ग्रेड की फिल्में आईं, लेकिन उन्होंने जो धुन बनाई उन पर लता मंगेशकर जैसी टॉप ग्रेड की गायिका और मोहम्मद रफी जैसे टॉप ग्रेड के गायक फिदा होते थे और मिलने वाले पैसों की परवाह किए बगैर उनके बनाए गानों को आवाज देने के लिए हर दम तैयार रहते थे। ये चित्रगुप्त के गीतों की मेलोडी का ही कमाल है कि दशकों बाद भी उनके गीत आज तक गुनगुनाए जाते हैं। चित्रगुप्त की संगीत रचनाओं को किसी बड़े स्टार की बैसाखी की जरूरत नहीं पड़ी और दिलीप कुमार, राज कपूर या देवानंद जैसे किसी टॉप ग्रेड के सितारों के बजाय अनजान कलाकारों पर फिल्माए जाने के बावजूद उनके बनाए गीत लोकप्रिय साबित हुए। हालांकि चित्रगुप्त अपने सभी गीतकारों और गायक गायिकाओं के बहुत करीब थे और ये तय करना कठिन है कि कौन गीतकार या गायक रचनात्मक रूप से उनके सबसे करीब था। चित्रगुप्त के लिए लगभग 7 गायकों ने गाना गाया, लेकिन सबसे अधिक जिस गायक ने चित्रगुप्त के लिए गाया उनमें पहले नंबर पर मोहम्मद रफी और दूसरे नंबर पर लता मंगेशकर का नाम है। मोहम्मद रफी ने चित्रगुप्त के लिए 250 से अधिक गाने गाए जिनमें से 110 से अधिक एकल थे, जबकि लता मंगेशकर ने चित्रगुप्त के लिए 230 से अधिक गाने गाए जिनमें 150 से अधिक एकल गीत थे। ये पर्वतों के दायरे ये शाम का धुआं। मोहम्मद रफी ने चित्रगुप्त के लिए कव्वाली, भजन और शास्त्रीय गीतों के अलावा खूबसूरत गजलें भी गाई हैं। लेकिन ये कम लोगों को ही पता होगा कि चित्रगुप्त हिंदी फिल्म उद्योग में संगीतकार नहीं बल्कि पार्श्व गायक बनने के लिए आए थे। उनकी मुलाकात कुछ संगीत निर्देशकों से हुई जिन्होंने उन्हें एक मौका देने का वादा किया, लेकिन ये आसान रास्ता नहीं था। शुरुआत में उन्हें कोरस में गाने की पेशकश की गई, इससे चित्रगुप्त के अहंकार को ठेस पहुंची, लेकिन उनके शुभचिंतकों ने उन्हें कोरस में गाने की पेशकश को स्वीकार करने और गायक के तौर पर स्थापित करने के लिए प्रयास करते रहने की सलाह दी। एक दिन एक गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान वो गलियारे में रिकॉर्डिंग स्टूडियो के कोने में खड़े थे और रिकॉर्डिंग शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। चित्रगुप्त एक कोने में अकेले खड़े थे, तभी एक शर्मीला और मासूम सा दिखने वाला युवक उनके पास आया और उनसे पूछा कि आप कौन हैं और कहां से हैं।
चित्रगुप्त ने उस युवक से कहा, मैं बिहार से आया हूँ, मेरा नाम चित्रगुप्त श्रीवास्तव है। अब चित्रगुप्त की बारी थी युवक से उसका परिचय पूछने की। चित्रगुप्त ने पूछा, आप कैसे हैं? युवक ने उत्तर दिया, मैं कोटला सुल्तान सिंह मजीठा जिला अमृतसर पंजाब से हूँ। चित्रगुप्त ने पूछा, आपका नाम? उस शर्मीले युवक ने कहा, मेरा नाम मोहम्मद रफी है। गायक बनने के लिए संघर्ष कर रहे दो प्रतिभावान युवकों की पहली मुलाकात। एक गायन के क्षेत्र में सफल होकर महान गायक बन गए और दूसरे ने संगीतकार के तौर पर नाम कमाया और सुरीली धुनों से भारतीय संगीत को समृद्ध किया। चित्रगुप्त ने 50 और 60 के दशक में एक से बढ़कर एक मधुर धुने दी और उन धुनों को लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने अपनी आवाज देकर अमर किया। हालांकि चित्रगुप्त वैसे समय में फिल्मी दुनिया में आए जब नौशाद अली, शंकर जयकिशन, रोशन लाल नागराथ, मदमोहन कोहली जैसे दिग्गज संगीतकारों का वर्चस्व था और इस कारण अत्यंत सुरीली धुने देने के बावजूद चित्रगुप्त को वो पहचान नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। 1957 में प्रदर्शित फिल्म भाभी में चित्रगुप्त के संगीत निर्देशन में मोहम्मद रफी के गाए गीत चल उड़ जा रे पंछी ने लाखों सुनने वालों को रुला दिया। उस फिल्म में रफी साहब का गाया गीत चली चली रे पतंग भी खूब लोकप्रिय हुआ। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ। आपको बता दें कि चल उड़ जा रे पंछी गीत पहले उस समय के सबसे महंगे और सबसे टॉप के गायक तलत महमूद से रिकॉर्ड कराया गया, लेकिन फिल्म रिलीज होने से पहले उस गाने को दोबारा मोहम्मद रफी से रिकॉर्ड कराया गया। असल में फिल्म रिलीज होने से पहले संगीतकार चित्रगुप्त को लगा कि तलत महमूद के गाने से बात नहीं बन रही है, गाने में फिल्म की कहानी का वो भाव नहीं आ रहा जो इस गाने में चाहिए। इसके बाद चित्रगुप्त ने मोहम्मद रफी से बात की और उनसे इस गाने को गाने का आग्रह किया और आनन फानन में इस गाने को मोहम्मद रफी से रिकॉर्ड कराया गया और मोहम्मद रफी ने इस गाने को ऐसा गाया कि ये गाना अमर हो गया। आज YouTube पर तलत महमूद का गाया वर्जन भी अवेलेबल है। वैसे तो आप तलत महमूद के गाए उस गाने को सुनते हैं तब आप उस गाने के सुरीलेपन में खो जाते हैं, लेकिन रफी साहब का गाया गाना भी अपने आप में लाजवाब है। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ। असल में चित्रगुप्त वैसे संगीतकार थे जो गाने की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं करना चाहते थे और जब भी उन्हें लगता था कि कहीं कुछ कमी रह गई है तो उस कमी को दूर करने की कोशिश वो हर कीमत पर करते थे। एक वाकया है कि किसी भोजपुरी फिल्म के लिए वो गाना रिकॉर्ड करने के लिए कार से रिकॉर्डिंग स्टूडियो जा रहे थे। पीछे की सीट पर गीतकार अनजान बैठे थे जिनका गाना रिकॉर्ड किया जाना था। चित्रगुप्त चुपचाप वो गीत पढ़ रहे थे जो अनजान ने लिखा है। अचानक चित्रगुप्त असहज महसूस करने लगे। उनको एक शब्द खटक रहा था। उन्होंने वो कागज अनजान को दिया और कहा, अनजान जी कृपया दूसरी पंक्ति में बाएं से तीसरा शब्द बदल दीजिए। दरअसल चित्रगुप्त अधिक नहीं बोलते थे, लेकिन जहां जरूरी होता था वहां जरूर बोल देते थे। रफी साहब के साथ चित्रगुप्त का ऐसा गहरा लगाव था कि मोहम्मद रफी मिलने वाले पैसों की परवाह किए बगैर ही उनके गाने गा देते थे। एक वाक्या है फिल्म ऊंचे लोक की रिकॉर्डिंग का। रफी साहब ने इस फिल्म के गाने जाग दिल दीवाने को रिकॉर्ड किया था। रिकॉर्डिंग के बाद चित्रगुप्त साहब ने रफी साहब को जो दिया वो रख लिया। जब वो अपने सेक्रेटरी और साले जहीर बारी के साथ घर लौट रहे थे तब उनके सेक्रेटरी ने कहा, साहब आपने इतना कम लिया, उससे तो अच्छा था आप कुछ लेते ही नहीं। जाग दिल दीवाना रुते जागी वसले गा। इस पर रफी साहब ने कहा, अगर मैं कुछ नहीं लेता तो चित्रगुप्त साहब के मन में हमेशा के लिए एक बोझ बना रहता कि उन्होंने गाना गवाने के एवज में कुछ नहीं दिया, इसीलिए उन्होंने जो दिया वो ले लिया ताकि उनके मन में कोई मलाल ना रहे। ऐसा था चित्रगुप्त जी और रफी साहब का रिश्ता। आपको बता दें कि चित्रगुप्त के संगीत निर्देशन में मोहम्मद रफी ने एक से बढ़कर एक गीतों को गाया। फिल्म मैं चुप रहूंगी में रफी साहब के गीत चांद जाने कहां खो गया ये गीत हो या फिल्म में लता मंगेशकर के साथ गाया उनका युगल गीत हो। कोई बता दे दिल है जहां क्यों होता है ये तो न पूछो थे। फिल्म वासना में चित्रगुप्त द्वारा रचित रफी साहब के गीत इतनी नाजुक ना बनो ने बहुत ही रोमांटिक अपील पैदा की थी। इसके अलावा मोहम्मद रफी का गाया गीत ये पर्वतों के दिने 60 के दशक के अंत में एक बड़ा हिट बन गया था। चित्रगुप्त के संगीत निर्देशन में फिल्म भाभी के लिए गाए रफी साहब के गानों ने तो उस समय धूम मचा दी थी। चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे। हालांकि चित्रगुप्त ने ऊंचे लोग, गंगा की लहर, जबक, भाभी जैसे हिंदी फिल्मों और अनेकानेक भोजपुरी फिल्मों में यादगार संगीत दिया,
लेकिन स्वर्ण युग के दौरान शंकर जय किशन, नौशाद, रोशन और अन्य संगीतकारों के प्रभुत्व के कारण चित्रगुप्त को कम बजट वाली फिल्मों में ही संगीत देने का मौका मिला। अगर हिंदी सिनेमा के स्वर्ण युग में उनको अधिक से अधिक फिल्मों में संगीत देने के मौके मिलते तो निश्चित ही संगीत सिनेमा और ज्यादा समृद्ध होता। तेरी दुनिया से दूर चले हो के मजबूर हम यार। तो दोस्तों, आप चित्रगुप्त द्वारा संगीतबद्ध किए गए गीतों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपको चित्रगुप्त का संगीतबद्ध किया हुआ कौन सा गीत सबसे अच्छा लगता है? इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपकी दोस्त स्तुति कोई और नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए अनुमति दें। नमस्कार।